मेरी ना डिटेल डॉट पी एच पी ये मेरे फाइल बनाई हुई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाके इसे व्यू करता हूँ तो यहाँ पे चीज ही नहीं आती डिस्क्रिप्शन के अलावा। क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भेज रहे हो और आप वहाँ पे कैटेगरी आईडी ले रहे हो। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेजेस अलग बनाना, आपने वो प्रोडक्ट वाला पेज ही डिटेल का कैटेगरी के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे आप मतलब ऊपर देखो ना, अब आप ऊपर प्रोडक्ट आईडी भेज रहे हो, जी तो आपने तो कैटेगरी आईडी लेनी है। और आपने सेम ही पेज क्यों इस्तेमाल किया, आप एक अलग पेज बनाते हैं कैटेगरी डिटेल के नाम से। ये डिटेल पेज ये नाम यूज करो इसमें। ये तो पहले ही आपने यूज नहीं करना था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें अभी आपका प्रोडक्ट वाला बना हुआ है, उसको बनाने नहीं देना क्योंकि आगे वो इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, अब डिटेल पेज एक अलग से बना लूं। हाँ, इसका अलग से बनाओगे और उसमें जो आईडी पास कराओगे आपने, वो कैटेगरी आईडी पास करवानी, प्रोडक्ट आईडी पास नहीं करवानी। ठीक हो, और ये देख लें थोड़ा सा, ये ठीक बन। हाँ, ये ठीक लग रहा है, लेकिन ना तो आपकी कैटेगरी की प्राइस होगी ना ही आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। ये मैं ना लगाऊं फिर। हाँ, ये दो कॉलम तो मैंने आपको पहले ही बताए थे ना, डेटाबेस पे बनाने हैं ना इधर बनाने हैं। ठीक, अच्छा, तो अब हमने करना ये है कि हम एक कार्ट का पेज जो है अपना डिजाइन करेंगे सबसे पहले, तो जहां पर हम जिस भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें वो हमारे कार्ट के पेज में आनी चाहिए। जी अब कार्ट जो हम करेंगे उसके कई तरीके कार मौजूद होते हैं, बहुत तरीकों से कार्ट में इंसर्ट करवाया जा सकता है। हम जो तरीका करेंगे वो होगा सेशंस का, जी और सेशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या होता है, किस तरह इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ वक्त के लिए किसी चीज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना ताकि हम पेज लोड भी कर लें, ताकि वो वहीं रहे जब तक हम सेशन आउट ना करें या ब्राउज़र बंद करके दोबारा ना चलाएं, हिस्ट्री ना डिलीट करें, तब तक वो हमारा सेशन स्टोर रहता है। जी तो अभी क्या होता है कि अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, एक दराज डॉट पीके की वेबसाइट पे चलो हम जाते हैं। अब यहाँ पे अभी मैं अगर ये कार्ट का एक बटन बना हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी ये सबसे पहले मुझसे पूछा है लॉगिन। अभी खैर लॉगिन का सिस्टम हमने नहीं बनाया तो हम इसको अभी इग्नोर करेंगे। जी अब यहाँ पर ये कार्ट आ रही है, ये मैंने जितने भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं, ये पहले का प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। जी तो इसी तरह मैं यहाँ से कुछ और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं ये इसको क्लिक करता हूँ और ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको क्लोज करके एक बार यहाँ पे दोबारा जाता हूँ तो अब मेरी कार्ट में ये प्रोडक्ट भी आ गया है। जी तो इस तरह से मेरी कार्ट के अंदर ये प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि अपने कार्ट का एक डिज़ाइन रेडी करते हैं और फिर उसके अंदर सेशंस की मदद से डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। जी बेहतर काम के लिए सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ कार्ड के नाम से,
और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा कार्ट डॉट पीएचपी की, और इसके अंदर अब मैंने अपना हेडर वगैरह इंक्लूड करवाना है, ये हेडर और फुटर। तो ये आ गया जी हेडर, और इसके नीचे आ गया जी हमारे पास फुटर, और यहाँ से हम डेव क्लास कंटेनर हम एक डिव बना लेते हैं, इधर डिव क्लास पेस्ट स्टार्ट। इसको यहाँ बंद कर देते, पेज स्टार्ट मैंने कस्टम क्लास बनाई है, मैं इसको मार्जिन देना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने एसेट में जाते हैं, स्टाइल शीट में जाते हैं और डॉट लगाते हैं, और इसको हम देते हैं मार्जिन टॉप 50 pixels, मार्जिन बॉटम 50 pixels। अच्छा, उसके बाद अभी हेडर हमारा इंक्लूड नहीं सही हुआ होगा, हमें ये भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पिछली फाइल में पड़ा है। तो ये मेरा कंटेनर बंद हो गया, कंटेनर, और यहाँ पर एंडिंग पेज स्टार्ट डेव। इसके अंदर हम अपना कार्ट का जो है वो कॉलम बनाते हैं जी। मैं इसको कहता हूँ डेव क्लास रो बना लेते हैं हम, हमें दो कॉलम चाहिए बस। सबसे पहले तो मैं इस रो को बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब मैं कॉलम बनाता हूँ डेव क्लास कॉल MD8 देते हैं इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। इसी तरह एक और कॉलम नीचे बनाते हैं और इसको हम 4 दे देते हैं। अच्छा, हमारे पास डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, या फिर चलें अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि हमें इधर नहीं चाहिए, रो नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट रखते हैं। हम बनाते हैं यहाँ पर डेव क्लास कार्ट आइटम्स, ये मैंने कस्टम क्लास बनाई है, जी और इसको साथ में कार्ड की क्लास भी दे देते हैं। अब इसके अंदर जो है हम बनाते हैं टेबल क्लास टेबल, और यहाँ पर मैं टेबल बंद कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर टेबल रो बनाऊंगा, और टेबल रो बंद भी कर देते हैं। यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ टीडी को बंद करूंगा, सॉरी टीडी नहीं बल्कि हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल हेडिंग, जी और एक और फिर हेडिंग, फिर हेडिंग यहाँ पर आएगा जी हमारे पास प्रोडक्ट, या चलो आइटम नेम। उसके बाद यहाँ पर हम कहते हैं आइटम प्राइस, यहाँ पर हम उसे कहते हैं क्वांटिटी, और अब हम एक और रो बनाते हैं नीचे, इसको हम कहते हैं टीडी। और अभी हम सैंपल डाटा ऐड कर रहे हैं ताकि डिज़ाइन हमें पता चल जाए। 500, पहले मैं USD लगा देता हूँ। क्वांटिटी में हम इनपुट फील्ड देंगे ताकि यूज़र क्वांटिटी कभी भी चेंज भी कर सकता हो। इनपुट बंद कर देंगे यहाँ से। मैं कहता हूँ क्लास होम कंट्रोल, और इसकी जो वैल्यू होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देते हैं,
टाइप जो होगी वो नंबर कर देते हैं। अच्छा, और इस रो को हम दो तीन बार यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अब एक बार हम देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो card.php, ये हमारे पास वो बन के आ गया है। अच्छा, अभी हमारा कार्ट आइटम और पेज स्टार्ट, ये हमारी स्टाइल शीट पे चला नहीं है, इसको देख लेते हैं। हेडर में हमने स्टाइल शीट इंक्लूड करवाई हुई है, लेकिन शायद इसको यहाँ पर स्टाइल शीट मिली नहीं। तो हम व्यू पेज सोर्स करके देखते हैं, और इसको मैं क्लिक करता हूँ। हाँ जी, इसको अभी ये लिंक नहीं मिल रहा क्योंकि ये ढूंढ रहा है दोपहर कार्ट में जाकर। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टाइल शीट को पूरा एड्रेस दे देते हैं, दोपहर में जाकर एसेट्स में जाकर। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ और अब मैं ढूंढूँ इसको जाकर, तो अब मिल गया इसको। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये अब इसकी स्टाइल शीट चल गई है। और एक बार हम अपने होम पेज पे भी देख लेते हैं कि क्या वहां पे स्टाइल शीट चल रही है या नहीं। जी हाँ, वहां पर भी चल रही है, ठीक चल रही है। जी अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसका मार्जिन का देख लेते हैं कि कंटेनर के अंदर पेज स्टार्ट, अच्छा पेज स्टार्ट का इसको भी मार्जिन नहीं मिला। हाँ, पेज स्टार्ट का इसको हमें Ctrl F5 दबाना पड़ेगा। तो ये हार्ड रिफ्रेश करके, सॉरी Ctrl Shift F5, तो ये हमारे पास हार्ड रिफ्रेश होके अब ये आ गया। हम ऊपर दे देते हैं, चलें दोबारा चलते हैं अपने कार्ट के ऊपर, और यहाँ पर दे देते हैं हेडिंग। तो कहते हैं हेडिंग 3, कार्ट आइटम्स, और यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं। नीचे हमें एक बटन चाहिए होगा यहाँ पर, तो हम चलिए अभी बटन ही बना लेते हैं। बटन क्लास btn, btn प्राइमरी, और इसको मैं कहता हूँ चेकआउट। और यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो एक बार इसको देखते हैं जाके। तो ये हमारे पास बटन आ गया है। हम एक काम करते हैं, इसको कस्टम क्लास देते हैं चेकआउट btn, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, स्टाइल शीट पे जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डॉट, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ विथ 100%। एक बार इसको जाके यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश करते हैं, तो इसको कहते हैं विथ 80%। अब बेटर है। तो अब क्या होगा कि वो आइटम्स उसको ठीक लगी हैं तो वो उसको ओके कर देगा। बल्कि हमने अभी एक और काम भी करना है, एक और बटन हमें चाहिए था यहाँ पर। हम अभी इसको कह देते हैं कैंसल। फिलहाल इसको मैं कहता हूँ वार्निंग, और इसकी अभी विड्थ हम ख़त्म करते हैं अगर तो। अच्छा, एक काम करते हैं हम फिलहाल। अच्छा, बूटस्ट्रैप की क्लास होती है जिसको कहते हैं, हम बूटस्ट्रैप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 ही कर रहे हैं। जी हाँ, 5 कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप 5 की क्लास होती है जिसको कहते हैं फ्लोट फर्स्ट, मतलब ये पहले आएगा, और फ्लोट लास्ट, ये बाद में आएगा। और अगर मैं अपनी स्टाइल शीट पे जाता हूँ और इसकी विड्थ ख़त्म कर दूँ,
अभी भी इस पे क्लास अप्लाई नहीं हुई। जी इसको कहते हैं 100%, ओ सॉरी, इसको कहते हैं 100%। और यहाँ पर एक काम करते हैं फिलहाल के लिए, हम अगर मैं इसको पेन में रखवाऊँ, ओ अच्छा यार, एक मिनट रो, ब्रेक अगर ना लगाएं, ब्रेक सिर्फ यहाँ लगाएं तो, और इसकी जो स्टाइल शीट पे विड्थ है वो कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो नो, हम एक काम करते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पर फ्लोट, फर्स्ट फ्लोट लास्ट का तो काम नहीं चला, एव क्लास रो, इसको मैं डिव को बंद कर लेता हूँ, इसके अंदर डिव क्लास कॉल MD6 और इसको मैं बंद कर लेता हूँ, और इसी तरह एक और डिव बना लेते हैं, पहली के अंदर ये, दूसरी के अंदर ये, तो अभी कुछ बेहतर है। यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक का टैग, यहाँ से हम ब्रेक का टैग खत्म कर देते हैं, चलें इसको, अब इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 80%। तो एक और काम कर देते हैं साथ में, फ्लोट फर्स्ट और फ्लोट लास्ट ख़त्म करते हैं, और इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट सेंटर, इसको भी कह देते हैं टेक्स्ट, बल्कि टेक्स्ट सेंटर इधर नहीं आएगा, टेक्स्ट सेंटर हम इसको करते हैं इधर, और इसको भी करते हैं इधर, चले बेहतर हो गया जी। अब क्या होगा कि हमने सबसे पहले, मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी इसकी पैडिंग भी सेट कर लेता हूँ, तो कार्ट आइटम्स यहाँ पे स्टाइल शीट पे जाते हैं, और पैडिंग 20 pixels, तो ये जो भी साथ लग रहा है ये थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, अब बेहतर है। अच्छा जी, तो अब हमने इसका एक तरह से फ्रंट एंड बना लिया है, अब हमने यहाँ पर सेशंस के साथ जो है उसका काम करवाना है जी। अब सेशन के अंदर हमने अरे स्टोर करवानी होगी, क्योंकि फिलहाल हम एक प्रोडक्ट नहीं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेशन के अंदर लेके आएंगे। जी तो स्टार्ट हम सिंगल वेरिएबल से करते हैं, यानी कि सिंपल एक वेरिएबल लेंगे बगैर अरे के लेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा, अभी क्या होगा कि मेरे पास ये जो है home.php एड टू कार्ट, ये जो ऐड टू कार्ट है ना जी, अब हमने इसको करना है, तो मैं चाहूँ तो चले इसको पहले आपको मेथड बताते हैं, गेट मेथड के साथ connection.php में हमें ले जा, और बल्कि पूरा इसको एड्रेस दे देते हैं अभी फ़िलहाल, connection.php। अच्छा जी, यहाँ पर ये पड़ी है हमारे पास connection.php की फाइल। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें पैरामीटर पास करवाते हैं एड आइटम टू कार्ट जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की आईडी चाहिए होगी, तो ये हम करवा देते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, अभी सिंपल सा काम करवाएंगे कि आईडी हमारी वहाँ पे नज़र आए।
तो ये हमारी कनेक्शन की फाइल है, अब इस तरह ये हमारा इज सेट का मेथड है, तो एडिंग प्रोडक्ट टू कार्ट यूजिंग सेशंस। अब पहले तो वो गेट मेथड पे चेक करेगा कि हमारी हमने जो यहाँ पर आईडी पास करवाई है ऐड आइटम टू कार्ट, जी ये कौन सी है, तो ये लें और ये सेट है कि नहीं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है जिसको सेशन में स्टोर करवाना है। मतलब कि चलें एक काम करते हैं, पहले हम सेशन का वेरिएबल ले लेते हैं, देखेंगे सेशन PHP W3 स्कूल। ये हमारे पास सेशन के वेरिएबल आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से ये वेरिएबल आ रहे हैं। सबसे जी पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गेट पैरामीटर में आई है, हम उसको ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी का। एक मैंने अपना वेरिएबल बनाया और गेट पैरामीटर में मेरे पास एड आइटम टू कार्ट का एक पैरामीटर आया, उससे मैंने इस वेरिएबल में आईडी रखवा ली। जी अब मैं क्या करूंगा कि मैंने सेशन एक बनाया, सेशन का मैंने नाम रख दिया, ये एरर किस चीज का दे रहा है। अच्छा इस चीज का दे रहा है। अच्छा सेशन का मैंने जो है वो नाम रख देता हूँ कार्ट आइटम, जी और इसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं प्रोडक्ट आईडी। अब हमारे पास प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर चली गई, और यहाँ पर हमें सेशन भी स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तो हमने जो हेडर डॉट पीएचपी में सेशन स्टार्ट करवा रखा है, अगर हम यहाँ पर सेशन स्टार्ट करवा दें। अच्छा जी, और कार्ट के अंदर जाते हैं, कार्ट में हमारे पास पहले सेशन स्टार्ट है। अच्छा उसके बाद अभी फिलहाल मैं जो आइटम 1 है इसकी जगह सेशन का वेरिएबल एको करवाऊंगा, जी तो हमारा सेशन का वेरिएबल ये है कार्ट आइटम्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आइटम 1 की जगह मैं PHP एको और सेशन का वेरिएबल, अभी मैं इसमें कोई ऐसा चेक नहीं लगाया कि सेशन सेट है तो नहीं, जो अभी एरर दे सकता है अगर सेशन सेट ना हुआ हो तो। खैर अभी क्या है कि मैं अगर जाता हूँ और हाँ, अब ये कह रहा है कि सेशन, अच्छा एक तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे कह रहा है सेशन ऑलरेडी सेट, और यहाँ पे कह रहा है कि कार्ट आइटम जो है ना वो आपकी अभी सेशन अनडिफाइंड है। खैर हमें अभी उन एरर्स को बाद में देखते हैं, हम पहले चलते हैं लोकल होस्ट जुबैर, और मैं चलता हूँ अपने होम, सॉरी होम डॉट। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने प्रोडक्ट 2 को एक बार मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, अब ये सेशन में स्टोर हो गया है, मैंने कुछ भी उसका मैसेज नहीं रखा हुआ था अभी दिखाने के लिए। खैर तो अब मैं कार्ट आइटम पे जाता हूँ, तो बल्कि यहाँ पे मैं कार्ट आइटम इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, अब 2 मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने आईडी स्टोर करवाई थी। यहाँ पर जी मैं जब आईडी इसको पास करवाई तो चले ठीक है, तो अभी मैंने इसमें नाम नहीं स्टोर करवाया बल्कि मैंने उसको आईडी पास करवाई है। जी अब मैं उसकी आईडी की जगह उसका नाम एक बार करवाता हूँ, और मैं चलता हूँ अपने दोबारा होम पर, और यहाँ पर मैंने ये रखा था, मैं इसको कहता हूँ प्रोडक्ट नेम आईडी की जगह। अब यहाँ पर जो भी जाएगा दूसरे पेज पर कनेक्शन की फाइल पे, यानी कि यहाँ पे आएगा, इसका भी मैं वेरिएबल का नाम बदल लेता हूँ ताकि आसानी रहे हमारे लिए कि ये आईडी नहीं बल्कि नेम है, तो सेशन कार्ड आइटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास, बल्कि हम इसको कहते हैं कार्ड आइटम्स, चलो खैर
अभी हम सिर्फ इतना ही करते हैं। अच्छा, और ये जो ऑलरेडी सेट कह रहा है, हम इसका भी इलाज करने की कोशिश करते हैं कि हम अगर कनेक्शन की फाइल से इसको हटा दें और रिफ्रेश करें। हाँ, यहाँ पर मैं दोबारा जाता हूँ अपने होम डॉट पी एच पी पर। आपको पहले तो एक और फंक्शन भी बताता हूँ जिसको कहते हैं रीडायरेक्ट का फंक्शन। जी रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी, मतलब कोई काम किया है तो उसके बाद इसको किसी और यूआरएल के ऊपर भेज दो। जी ठीक है, तो अभी अक्सर क्या होता है कि हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसके बाद ये हमें सक्सेसफुल होने के बाद किसी और पेज पर ले जाता है। जी तो हमने ये पीएचपी के अंदर रीडायरेक्ट के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। तो जिस समय आपको रीडायरेक्ट इन पीएचपी W3 स्कूल, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इजी तरीकेकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है, बल्कि हेडर लोकेशन का। ये हेडर लोकेशन हमारी रिडायरेक्ट करने में काम आती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जिस तरह। इसको हम करते हैं और यहाँ से फंक्शन उठा लेते हैं। ये देख, हेडर लोकेशन। अच्छा, ये हेडर, अब मैंने क्या किया कि मेरे सेशन में वैल्यू स्टोर करने के बाद अब मैं नीचे इसको दे दूंगा कि हेडर लोकेशन, और यहाँ पर मैं इसको जो है यूआरएल पास करवा रहा हूँ। मैं इसको यूआरएल का वेरिएबल दे देता हूँ एक, और इसको मैं यूआरएल के वेरिएबल में दे रहा हूँ जुबैर काट डॉट पी एच पी। जी चलिए अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। हम एक बार, ये मैं अपने होम पेज पे हूँ, यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मैं सीधा आ गया हूँ अपने कार्ट के ऊपर। जी अच्छा, अभी सीन ये है कि इसने यहाँ पर सेशन नहीं उठाया। सेशन हमारा चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसने यहाँ पर सेशन नहीं उठाया, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं इसने उठाया। अगर हम वापस चलें, सेशन फिर हम यहाँ पे हेडर की फाइल, सॉरी हेडर की फाइल से खत्म कर देते हैं सेशन, जब कनेक्शन की फाइल में सेशन है। तो अब हम करवाते हैं जी। अब ये जुबैर प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। जी अब मैंने किया क्या है कि असल में बार बार वो बता रहा था कि सेशन सिर्फ एक ही बार आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है। अब यहाँ पे जी बार बार सेशन एग्जीक्यूट हो रहा था, तो बार बार कैसे हो रहा था? मैंने एक तो यहाँ पर भी सेशन करवाया हुआ था स्टार्ट, यानी कि मेरी हेडर डॉट पी एच पी की फाइल, अब जहाँ जहाँ हेडर डॉट पी एच पी की फाइल मैं लेके जा रहा था, इंक्लूड करवा रहा था, वहाँ वहाँ सेशन आ रहा था। जी अब जहाँ जहाँ मैं हेडर की फाइल लेके जा रहा था, वहाँ वहाँ कनेक्शन की फाइल भी इंक्लूड थी। जी तो अब मैंने कनेक्शन की फाइल में जाके भी सेशन स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या हुआ कि जब वो कनेक्शन की फाइल में अगर है और यहाँ भी है, तो वो कहता कि भाई दो बार नहीं हो सकता सेशन स्टार्ट। तो जी ये उसका रोला था, तो इसलिए हम हेडर की फाइल से खत्म कर देते हैं क्योंकि कनेक्शन की फाइल में हमारे पास आ रहा है सेशन। जी अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं। हमारे हमें ये समझ आ गई कि हमने ये किस तरह से वेरिएबल स्टोर करवाया है और कार्ट के पेज पे इसको मैं ले आया हूँ। इसमें कोई परेशानी है अभी तक? नहीं कोई नहीं परेशानी। अब हम करेंगे सेशन की अरे की बात।
ये थोड़ा सा ट्रिकी थिंग होगी, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा चलें एक चीज करके देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सीन है। ये हमारी कनेक्शन की फाइल है, अब हम इसको अरे बनाने की कोशिश करते हैं। जी कार्ट आइटम्स हमने अरे का नाम रख लिया जो पहले ही हमारा है। अब इसके अंदर हम पास करते हैं ये हमारा नेम है। जी इसी तरह मैं इसको कहता हूँ ये मेरी प्राइस है। प्राइस में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस पास करवा रहा हूँ, और यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट प्राइस जो है वो ले लेते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ आइटम प्राइस, जो गेट वेरिएबल में आएगी। और गेट वेरिएबल हमारा किधर गया जी, आल प्रोडक्ट्स में भी हम नहीं, सॉरी आल प्रोडक्ट्स नहीं हम बल्कि कर रहे हैं होम डॉट पी एच पी में। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल पास करवा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क जिसका मैंने लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, और यहाँ पर एक और वेरिएबल पास करता हूँ, या मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ आइटम प्राइस, और यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्राइस। जी और इसको हम करके देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको कहते हैं नेम, बल्कि हमने क्या नाम रखा है, हाँ नेम ही रखा है, चलें ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे हम उसको कहने की कोशिश करते हैं प्राइस। तो चलें देखते हैं कि ये जुगाड़ लगता है या नहीं लगता। चलें इसको हम, मैं क्या करता हूँ कि होम डॉट पी एच पी पे चला जाता हूँ, और होम डॉट पी एच पी का मैं यूआरएल यहाँ पर सेव कर देता हूँ एक बार क्योंकि। अच्छा अब मैंने प्रोडक्ट 4 करवाना है, जो कि 320 की प्राइस में है। मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। अच्छा अभी मेरे पास वो कह रहा है कि ऑफसेट प्राइस और ऑफसेट नेम, ये मेरे पास सही नहीं आया। ठीक है अच्छा, अगर हम एक काम करते हैं, पे अच्छा ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज जुबैर याद रखना कि एक काम को करने के ना हजारों तरीके होंगे पीएचपी के ऊपर। ठीक ठीक हो है अब ये जो चीज मैं आपको इधर सिखा रहा हूँ ना, इधर बता रहा हूँ, ये जी जब अभी मैंने आपको मे बी एक माह बाद या 1.5 माह बाद लारावेल के ऊपर लेकर जाना है, जी लारावेल एक अलग फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, उसके ऊपर जी इन चीजों को करने का तरीका डिफरेंट है। जी ठीक है लेकिन ये चीजें करानी आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपकी बेसिक बनेगी थोड़ी सी, जी और मुझे ये चीजें छोड़े हुए काफी अरसा भी हो गया, ये भी याद रखना। ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं फिलहाल के लिए मेंट।
और एक बार हम यहाँ पर रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं कार्ट आइटम। अरे में हम भेजते हैं नेम, और नेम में हम भेजते हैं ये, और ये हमें नहीं चाहिए इसमें। इसी तरह ही हम ये भेजते हैं क्वांटिटी में, तो ये भेजते हैं हम अभी, और अरे का डाटा नहीं भेजते। फिलहाल सिर्फ इतनी अरे भेज के देखते हैं कि क्या बनता है। और इसको एको करवाने के लिए अरे को हमें पता है कि लूप चलाना पड़ता है अरे को दिखाने के लिए। तो चलें, फिलहाल हम लूप भी अब दो तीन तरीकों से लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं अभी फिलहाल के लिए, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल, और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर ऊपर मैं चलाता हूँ जी एक PHP का एक फोर ईच लूप चलाने की कोशिश करते हैं हम। तो फोर ईच लूप हमने पढ़ा हुआ है, देखते हैं कि फॉर ईच लूप हमारी मदद कर सकता है या नहीं। यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल है एज कार्ट आइटम्स, और हमें कर्ली ब्रैकेट चाहिए। और यहाँ पर फिलहाल मैं बाकी रोज खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम बंद करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। सॉरी, एक ही बंद होगा। अच्छा जी, तो अब ये कह रहा है कि एज, अच्छा जी, उसको ये वेरिएबल, इसके अंदर हमें फिर वाइल लूप ही चलाना पड़ेगा या फॉर लूप चलाना पड़ेगा। इसने कौन सा लूप यूज किया, इसने वाइल यूज किया, ये तो आपको समझ नहीं आएगा। ये वाला लूप, तो ये लूप नहीं समझ आएगा, ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं इसीलिए दूसरा लूप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो लूप उन्होंने लगाया हुआ है ना, वो आपको बता तो दूँ मैंने क्यों, पर आपको समझ नहीं आना। आई इज इक्वल टू जीरो, आई स्मॉलर देन 10 फिलहाल करते हैं, और आई का वेरिएबल आई प्लस प्लस करते हैं। अच्छा जी, ओ सॉरी, ये नहीं आएगा। तो अगर हम फिलहाल एक मिनट है, और काम करता हूँ, फॉर ईच को इस तरह यूज करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास डाटा जो आ रहा है, यहाँ पर हम एको करवाते हैं PHP एको कार्ट आइटम्स। फिलहाल सिर्फ मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, इसको लिखें, इतना ही छोड़ के हम इसको रिफ्रेश करते हैं क्या होता है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी इनवैलिड आर्गुमेंट। अच्छा, हमें दूसरा ही लूप यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स वाला, जिसको कहते हैं फोर, और इसको हम यहाँ से आई इज इक्वल टू जीरो, आई स्मॉलर देन
इक्वल टू 10 i++, और यहाँ पर हमारी जो रे है ये हम कोशिश करते हैं, अगर ये काम ना बना फिर आपको मैं वो ही अरे समझाऊंगा। तो इसके अंदर हम अपना वेरिएबल यूज करते हैं, अच्छा ओ -ओ. यहाँ पे उसने आउटपुट तो दे दी है, अब इसकी आउटपुट को थोड़ा सा हमें सीधा पदरा करना पड़ेगा, और वो होगी जी अच्छा वो होगी जी यही आपको लूप समझाता हूँ, ये ज्यादा बेहतर है। इसको सीधा पदरा करने लगे तो फिर तो हमारे पास टाइम काफी लग जाना है। जी। तो हम एक काम करते हैं कि इसको ही लूप को चलाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे कार्ट का नाम क्या था जी, कार्ट आइटम्स, तो इसका नाम हमारा कार्ट आइटम्स है। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, और जो है हमारा ये क्या कह रहा है, अंडे हैं। ठीक है, तो ये इसको एको जो करवा रहा है यहाँ पर, ये इधर बंद हो गया, ये क्या बंद हुआ है? अच्छा, इसने दो लूप चलाए हैं, मैं वही जी देख रहा था, इसने बल्कि दो लूप चलाए हैं फिलहाल। अब ये लूप आपको पार्ट वाइज मैं समझाऊंगा, एक बार इसको चल जाने जी दो। यहाँ पर हमें कार्ट आइटम्स, और इसको भी मैं कह देता हूँ कार्ट आइटम्स, यही नाम है ना। हाँ, यहाँ पर ये आ गया है, इस बार इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, और इधर मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो वो कह रहा है जी साइज ऑफ पैरामीटर। सेवन क्वांटिटी आ गई 260, क्वांटिटी नहीं बल्कि ये प्राइस है। जी तो इसको यहाँ से अगर हम ये, इसको मैं कहता हूँ प्राइस, और नेम हमारे पास पहले ही आ रहा है, और
अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने कार्ट के ऊपर। यहाँ पर ये जो वाइल लूप चल रहा है, इस वाइल लूप को हमने चलाना है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर मैं PHP टैग बंद करता हूँ, और यहाँ पर मैं PHP टैग ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना TD ओपन करता हूँ, TD क्लोज करता हूँ, और इसी तरह मैं नंबर क्लास कंट्रोल वैल्यू 1। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक चीज मैं अब आपको बताने लगा हूँ, उसको यहाँ पे हमें PHP का टैग चाहिए, और यहाँ PHP का टैग बंद कर देते हैं, और यहाँ पर भी सेम चीज करते हैं, इसको कुछ देर के लिए यहाँ से खत्म कर देते हैं। भी एक एरर हमारे पास आ रहा है इसके मुताबिक, और वो है जी इसकी ब्रैकेट कहाँ पे बंद हो रही है, ये नीचे का इसके नीचे हम एक और 43 ब्रैकेट यहाँ बंद कर देते हैं। में कौन सी बंद, हाँ जी, 43 में भी एक हो रही बंद। हाँ 43 पे इस वाइल लूप की है उसने बंद की है, अंदर जो लूप चल रहा है, और एक ये बाहर लूप चल रहा है इसकी ये बंद की है उसने ब्रैकेट। ठीक हो अच्छा, अब यहाँ पर हमने टेबल रो बनानी है, और टेबल रो को हम यहाँ पर करते हैं बंद। ये PHP का टैग खाली है, इसको फायर करते हैं। अच्छा, आइटम प्राइस में इसने शो नहीं करवाया ना। जी। देखा आगे कितनी मुश्किल मुश्किल चीजें हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी इससे भी मुश्किल चीजें आनी है आगे। जी
लगता है आपको पहले दूसरा मेथड बताना पड़ेगा। मैं क्या था, पहले ये मेथड बता दूं सेशन वाला, लेकिन सेशन का भी काम चल नहीं रहा है, जी तो हम दूसरे वाला मेथड पहले कर लेते हैं, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करवाने का। सेशन वाला हम किसी और लेक्चर में देखते हैं, पहले मैं इसको देख लूँगा कि मसला क्या। जी अच्छा, दूसरे वाला जो मेथड है ना, उसमें करना कुछ नहीं है, सेम मेथड है, और उसमें सिर्फ जो चेंज आएगा ना, वो आएगा कि हम प्रोडक्ट्स को कुछ वक्त के लिए अपनी एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर रखवाएंगे। जी अब मैं इसका नाम रखता हूँ कार्ट, और इसकी हम एक आईडी दे देते हैं, इसको ऑटो इंक्रीमेंट करवाएंगे। मैं यहाँ पे कह देता हूँ आइटम नेम, यहाँ पे मैं कह देता हूँ आइटम प्राइस, और यहाँ पे मैं से कह देता हूँ आइटम QTY यानी कि क्वांटिटी। आइटम नेम हमारे पास वारचर होगा, 255 कह देते हैं। आइटम प्राइस हमारे पास इंटीजर ही रहेगी, तो अब मैं इसको करवा देता हूँ सेव। अभी क्या हुआ कि मेरे पास एक और टेबल यहाँ पे आ गया जो है कार्ट का। अब हम क्या जी किया करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे आइटम आएंगी, तो हमने सिंपली करना ये है कि आइटम इंसर्ट करवानी है। जी अब मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट 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 की क्यूरी पड़ी हुई है। हाँ ये रही, तो हम इसको पोस्ट मेथड के मुताबिक भी करवा सकते हैं, गेट मेथड से भी करवा सकते हैं। तो अभी खैर मैं गेट मेथड से ही करवाता हूँ, बाद में हम पोस्ट से भी कर लेंगे इसको। अच्छा, मैं इसको कार्ट के टेबल में ऐड करवाता हूँ। अब वहाँ पे मेरे पास एक है जी आइटम नेम, जिसमें मेरा चला जाएगा प्रोडक्ट नेम जी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। उसके बाद अच्छा, प्राइस का कॉलम नेम मैंने रखवाया है यहाँ पे आइटम प्राइस, तो मैं इसको भी कहूँगा आइटम प्राइस। डिस्क्रिप्शन मेरी नहीं है, मेरी इसकी जगह है आइटम QTY मतलब क्वांटिटी, तो इसको फिलहाल मैं स्टैटिक वैल्यू दूंगा और इसको मैं कहूँगा 1। अब क्यूरी जी को एग्जीक्यूट करवाना है हमें, तो सिंपली मैं अभी फिलहाल के लिए इसको इफ को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इफ को मैं करता हूँ पेस्ट। अब अगर तो मेरी ये क्यूरी चल जाती है, मतलब कनेक्शन चल जाता है, तो क्या करे कि ये रिडायरेक्ट करवा दे मुझे। ठीक जी है, इतनी समझ आई, ये ठीक समझ है आई, ठीक है। अच्छा, जी इसने अभी क्यूरी चल गई, तो इसने मुझे न्यू यूआरएल पे यहाँ पर इस मेथड से हेडर लोकेशन से रीडायरेक्ट करवा देना है, अगर नहीं चली तो वो एरर दे देगा। अच्छा, अब क्या करते हैं हम कि अपने जाते हैं कार्ट के पेज पर, और यहाँ पर फिलहाल ये जो मैंने अभी लगाया था, ये सब कुछ मैं फिलहाल के लिए उड़ा देता हूँ इस तरह से। और मैं यहाँ पर होम डॉट पी एच पी पे जो वाइल लूप हमने जिस तरह लगाया था ये वाला, तो हम कुछ यही वाइल लूप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो नाम है, अच्छा हाँ, एक और काम बल्कि हमने अब करना है, क्यूरी चलने पर हमने अब इसके अंदर सेलेक्ट करवानी है, वो आइटम सेलेक्ट भी जी करवानी है जो कार्ट के अंदर इंसर्ट हो गई है। जी तो अब हमें सेलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, मैं ना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि काम काफ़ी लेंथी होता है, तो क्रीम आपको मसला आता है ना, पूछ लिया करो। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसका नाम दे देता हूँ कार्ट आइटम्स, और इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और मैं इसको कहता हूँ कार्ट आइटम रिजल्ट, कार्ट आइटम रिजल्ट सेलेक्ट फ्रॉम कार्ट। और अभी फिलहाल हम कोई भी लॉजिक नहीं लगा रहे, इसकी लॉजिक हम अगली क्लास में लगाएंगे। अच्छा, तो अभी हम कार्ट आइटम हमने पकड़ लिया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी कार्ट पे जाता हूँ, और मैंने ये देखें माय डाटा रो, और इसके अंदर भी मैंने ये कार्ट आइटम रिजल्ट करवा दिया। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करवाना है, मैं जाता हूँ और मेरा
ये वेरिएबल है, इसके अगेंस्ट रो आइटम नेम। इसी तरह ही मेरी यहाँ पर जो आएगी, क्या उसको कहते हैं, इसको ख़त्म कर देते प्राइस, हैं, हाँ, आइटम प्राइस, और इसको भी हम एको करवाते हैं और इसको भी हम एको करवाते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू में भी चलें, एको करवा देते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसको कहता हूँ आइटम क्यूटीवाई। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि एक बार चलते हैं अपने होम डॉट पीएचपी पर। मैं इसको करता हूँ जुबैर प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट। अच्छा, तो कार्ट आइटम रिजल्ट, ये नहीं चले, क्यूरी क्यूरी हमारी कुछ मसला किया है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी क्यूरी को क्या मसला हुआ है? सेलेक्ट, अच्छा, कार्ट में इंसर्ट हुआ डाटा, हाँ इंसर्ट तो हुआ है। तो अगर हम दोबारा रिफ्रेश करें, नहीं, कार्ट आइटम्स रिजल्ट, कार्ट आइटम्स रिजल्ट, ये वेरिएबल आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास कार्ट है। तो हमारे पास सेम है, कार डॉट पी एच पी में कहता है कि 29 लाइन पे ये वेरिएबल नहीं चल रहा आपका। अच्छा ठीक है, वो मुझे समझ लग गया वो क्यों ये कह रहा है। हम एक काम करते हैं कि इस सिलेक्ट क्यूरी को इससे बाहर ले आते हैं इधर, और हम क्या करते हैं कि हम इधर करके सिलेक्ट क्यूरी को रख देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको हम एक बार रिलोड करेंगे। चलें, हमारा ये आ गया है। जी अभी सिर्फ एक मसला ये कर रहा है कि टीडी ये बंद नहीं हुआ, तो इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी ये बेहतर चल रहा है। अब मैं और प्रोडक्ट जो है वो ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो मैं दोबारा जाता हूँ होम डॉट पी एच पी पे। अभी जो बैड प्रोडक्ट मैंने किया था, मैं ये प्रोडक्ट सिक्स करता हूँ ऐड टू कार्ट, ये भी आ गया मेरा कार्ट में। जी ठीक तो इस तरह से ये मेरे कार्ट में आते जा रही हैं आइटम्स। है, तो अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका चेकआउट का सिस्टम बनाएंगे ना, कि जब मैं इसको चेकआउट करूंगा, तो चेकआउट करते वक्त एक फॉर्म फिल करता है जिसमें वो बताता है जी कि मेरे इस एड्रेस पे भेज दो, और मैंने पैसे जो हैं वो कैश ऑन डिलीवरी करने हैं या कार्ड से पे करने हैं। तब हम जब चेकआउट करेंगे, तो हम ये जो कार्ट आइटम्स का हमारा ये वाला टेबल होगा ना, जिस तरह अभी ये बनता जा रहा है, हम इसको ख़त्म कर देंगे, रिमूव करवा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जाते जाते आपको मैं बताता जाऊं कि अभी सेशन खैर हमारा उस तरह से काम नहीं किया, नहीं तो मैंने आपको एक चीज़ बड़ी मज़े की याद बतानी थी, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगली 2 क्लासों के बाद उम्मीद है बताऊंगा। हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, तो जब हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे ना, जी तो उसमें क्या होगा कि हर यूज़र की अपनी एक यूनिक आईडी आएगी हमारे पास। जी यूनिक से मुराद है कि डिफरेंट, हर यूज़र की अपनी एक आईडी होगी। बहुत हाँ जी, जी ठीक तो जब वो यूनिक आईडी हमारे पास आएगी ना, तो जी हमने आइटम्स के साथ वो भी यहाँ पे एंट्री करवानी है। ठीक हो उससे क्या होगा, अभी आपने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है और मैं अपनी कार्ट को खोलूंगा ना, तो मुझे भी ये आइटम नज़र आ रही है, जी पर मैंने तो वो ऐड टू कार्ट नहीं किया, वो तो आपने किया था। जी तो
हम उसके लिए लॉगिन का निजाम बनाएंगे कि पहले आप लॉगिन करो फिर अगला काम होगा। ठीक है, अभी एक और काम के लिए आपने तैयार रहना है, उसमें हमारे शायद 2 घंटे की क्लास लग जाए। वो ये होगी, हमने आइटम्स को फेच करवाना है चेकआउट पेज के ऊपर, और फिर इसको हमने आगे ऑर्डर्स के पेज के ऊपर भेजना भी है। जी ठीक है, तो वो डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें हमने उम्मीद है कि ये हम पढ़ेंगे इम्प्लॉयड एक्सप्लॉयड, ये 2 चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेती हैं, ये हर बार काफ़ी कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 2 या 3 क्लासों बाद हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, इस पर अच्छा टाइम लगेगा हमारा। ठीक है, ठीक हो चलें। अभी तक आप सिर्फ जो है, पहली बात तो ये कि जैसा मैंने आपको बताया था, आपने अभी कैटेगरी का ए और वही टेबल इस्तेमाल कर लिया जो आपने प्रोडक्ट्स का बनाया हुआ था। तो आप वो सारा कुछ अलग करें, कैटेगरी के पेजेस भी अलग करें, प्रोडक्ट्स के भी पेजेस अलग करें, और उसके बाद फिर आप ये कार्ड बनाएं। ठीक है, इस तरह से फिर ठीक अगले काम हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करते हैं। ठीक ठीक, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।